जय श्री हरि। बंधु, आज का विषय है कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। किन्नर समाज आप जानते हैं, विवाह आदि पुत्र आदि होने में जो आपके घरों में आते हैं, तो किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। यद्यपि ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि जब पुत्र होगा तो वो आएंगे और उन्हें दक्षिणा दी जाएगी, ऐसा कुछ हमने सुना नहीं है। तथापि यदि परंपरागत है तो होना चाहिए, पर इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि ब्राह्मण को जितनी दक्षिणा दी जाए, गुरु को जितनी दक्षिणा दी जाए, साधुओं को जितनी दक्षिणा दी जाए, उनकी अपेक्षा इन्हें कम दी जानी चाहिए। भले ही किन्नरों को 1 करोड़ दो, लेकिन यदि आप ब्राह्मण से कोई कर्म करवाते हैं विवाह में, तो उसको भी उसी के अनुसार दो। तो यह दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से किन्नरों की उत्पत्ति। मत्स्य पुराण अध्याय 6 क्या कहा गया है, पहले श्लोक से। सूत जी कहते हैं, अब मैं कश्यप की पत्नियों से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों का वर्णन करता हूं। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, विश्वा और मुनि, ये 13 कश्यप की पत्नियां थीं। और ये जो 13 पत्नियां थीं कश्यप ऋषि की, इनमें जो मैंने बताया अरिष्टि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई, ये 13 कन्याएं दक्ष प्रजापति की थीं, जिन्हें वीरिणी के गर्भ से, दक्ष प्रजापति जी की जो पत्नी थी उनके गर्भ से उन्होंने 60 कन्या उत्पन्न की थी, जिनमें से ये 13 थी जो कश्यप ऋषि के साथ विवाही गई थी। तो ये 13 कश्यप की पत्नियां हो गई, जिनका नाम था अरिष्टा। अरिष्टा जो थी वो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, और अरिष्टा के गर्भ से, इनके गर्भ से कौन उत्पन्न हुआ, 45वां श्लोक काय मुनि ने, मुनि समुदाय तथा अप्सरुक अरिष्टा ने, उसी प्रकार अरिष्टा ने बहुत से किन्नर और गंधर्वों को जन्म दिया। अरिष्टा ने कश्यप मुनि से बहुत सारे किन्नर और गंधर्वों को जन्म दिया। उसके पश्चात कुरुम पुराण में भी इसका उल्लेख आता है। कुरुम पुराण में अध्याय 7 में पूर्व विभाग में कहा गया है, श्लोक संख्या है 60-61, कहा है, यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों तथा शुभ अप्सराओं, नरों, किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पों को उत्पन्न किया। इससे पहले वाला श्लोक देखिए 59, उसमें कहा है, देवता, ऋषि, पितर तथा मनुष्य, इन 4 प्रकार की सृष्टि करके चर तथा अचर सभी प्राणियों की सृष्टि की। तत्पश्चात ये उल्लेख है, तो किसने की, ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने गंधर्वों किन्नरों की सृष्टि की है, यद्यपि ब्रह्मा जी ने सबकी सृष्टि की है, किंतु कोई निमित्त तो बनता है ना, तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम निमित्त बनते हैं। जैसे भगवान तो नित्य कारण है कि उनसे सबकी उत्पत्ति है ही, ऐसे ही ब्रह्मा जी भी द्वितीय निमित्त कारण हो गए कि उनसे ही सबकी उत्पत्ति है। लेकिन जैसे हमारी उत्पत्ति हमारे माता पिता से हुई है, यद्यपि हमारी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, लेकिन हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारे माता पिता से। इसी प्रकार किन्नरों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी अरिष्टा, उनसे किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। तो धन्यवाद। जय श्री हरि।